नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास नागवान मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश में काफी डिबेट चल रही है, वो है आर्टिकल 370। पिछले साल 5 और 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के दो ऑर्डर पास होने के बाद जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 370 क्या है, क्यों है, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, उसको हटाने का प्रोसीजर अगर है तो वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया और क्या वो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर क्या ऑर्डर पास किए हैं। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट जो ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि सुप्रीम कोर्ट को आने वाले समय में क्या करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कैसे। फ्रेंड्स, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन लाया गया जिसमें हर प्रिंसली स्टेट्स यानी 565 प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया, या तो वो भारत का हिस्सा बने या पाकिस्तान का, या फिर वो अपना एक अलग नेशन बना ले, जिसका पहले ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने विरोध किया। लेकिन बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स मान गए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के लिए तैयार हो गए। इसी के चलते 27 अगस्त 1947 को राजा महाराजा हरि सिंह, जो कि उस समय जम्मू एंड कश्मीर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और इसके साथ में आर्टिकल 370 को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला गया। उन्होंने तर्क दिया कि आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम सीज फायर का माहौल था और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी हिस्से ऐसे थे जो कि दुश्मनों के कब्जे में थे और जहां इंटरनल डिस्टर्बेंस भी चल रही थी। डेलिकेट सिचुएशन होने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से स्टेटस की मांग की गई और उस समय आर्टिकल 370 को हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा बना लिया गया। जिस समय आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, उस समय इंटेंट ये था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हमेशा एक अभिन्न अंग बन के रहेगा और इसी वजह से आर्टिकल 370 की हेडिंग में टेम्परेरी वर्ड को यूज किया गया। लेकिन इससे पहले कि आर्टिकल 370 को हटाया जाता या इसको अमेंड किया जाता, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं उन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए। इसमें पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल 3 सब्जेक्ट्स पर कानून बना पाएगी जो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे। उसमें एक है डिफेंस, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा फॉरेन अफेयर्स। इसमें दूसरा प्रावधान है कि भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू किए गए। इसके अलावा ज्यादातर आर्टिकल्स और प्रावधानों को जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होने से रोक दिया गया। इससे जम्मू एंड कश्मीर को अपना खुद का संविधान बनाने की आजादी मिली और साथ में अपना खुद का झंडा यानी अपना खुद का फ्लैग अलग रखने की आजादी मिली। और आर्टिकल 370 का ये प्रावधान भारतीय संविधान की एसेंस और स्पिरिट से मेल नहीं खाता था। इसके अंदर अगला प्रावधान दिया गया कि अगर आर्टिकल 370 को किसी कारण से अमेंड या मॉडिफाई करना पड़े तो उसके लिए स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहले रिकमेंडेशन लेना जरूरी था। और इसके साथ इसमें यह प्रावधान भी था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया गया कोई भी कानून तब लागू होगा जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसके लिए पहले कंसेंट देगी। इसका सबसे पहला नुकसान हुआ कि यूनियन लिस्ट में जो 97 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से सिर्फ 94 सब्जेक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हुए और इसके साथ में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके 47 में से सिर्फ 26 सब्जेक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होते हैं। इसका अगला इम्प्लीकेशन ये हुआ कि आर्टिकल 360 जिसके तहत पार्लियामेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, वो जम्मू एंड कश्मीर पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लिए पहले कंसेंट नहीं देगी। इसके अलावा आर्टिकल 352 जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कुछ सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए, वो भी पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस या आर्म्ड रिबेलियन यानी विद्रोह होता है तो ऐसे में प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन आप देखते होंगे कि न्यूज़ में काफ़ी बार आता है कि काफ़ी लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में पथराव किया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारे प्रेसिडेंट के पास उसको रोकने के लिए या उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की कोई पावर नहीं है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 और साथ में आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को किसी भी जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन को परमानेंट रेजिडेंट डिक्लेयर करने का अधिकार देती है, जिसमें वो लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट हैं उन लोगों को जॉब, स्कॉलरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसे काफ़ी हद तक कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए हैं जो कि किसी और भारतीय नागरिक को जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजन जो आर्टिकल 370 को हमें समझने में ज़्यादा मदद करेंगे।
और ये समझने में भी हेल्प करेंगे कि आने वाले समय में आर्टिकल 370 को लेकर जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई हैं उनका डिसीजन क्या हो सकता है। इसमें पहला केस है प्रेमनाथ कौर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1959, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है तो वो कानून तभी लागू होगा जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रूवल पहले मिल गया हो, और अगर आर्टिकल 370 को अमेंड करना है तो उसके लिए स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहले रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। इसके बाद 1961 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक अलग मुद्दा आया और वो केस था पूरन लाल लखनपाल वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्व किया कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है और इसी वजह से सिर्फ प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल 370 के द्वारा वो ये डिसाइड करे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल और कौन कौन से हिस्से जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1968 में इसी सिचुएशन के लिए एक अलग तरह की ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे और कौन से डेट से लागू होंगे, लेकिन ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर सकता है। इसके साथ पैरा नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि आर्टिकल 368 जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है संविधान के किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने की, वो भी जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के द्वारा ये डायरेक्ट कर सकता है कि कौन से प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे और कौन से नहीं, और वो भी सिर्फ आर्टिकल 370 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की इन जजमेंट्स के बेस पर ऑर्डर पास करेगा या फिर बाकी दी हुई जजमेंट्स को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करेगा, जिसमें से एक जजमेंट जिसे हम केशवानंद भारती केस के बारे में भी जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रधान है, सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए और गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट का निर्माण करेगी। दोस्तों, कानून सोसाइटी की जरूरतों के हिसाब से चेंज होने वाली चीज है। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती जाएगी और जैसे जैसे सोसाइटी की जरूरतें चेंज होंगी, उसी तरह से कानून बदलते चले जाएंगे। आर्टिकल 370 के अमेंड होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर राज्य का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया और आर्टिकल 370 के अमेंड होने के साथ ही भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो गए। भारतीय सरकार की सारी नीतियां और सारी विकास योजनाएं जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होंगी और उनका बेनिफिट जम्मू एंड कश्मीर की जनता भी उठा पाएगी। इसके अलावा जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में पहले इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उन लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया है। वहाँ इन्वेस्टमेंट होने के साथ में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और वहाँ के लोगों को भी वो अवसर मिलेंगे जो हम और आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसका नेगेटिव साइड ये रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर के खुद के लोगों की मोनोपोली नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही और हम अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।